क्लास 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल हम करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोध आर वन, आर टू एवं आर थ्री है, जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है कि आर वन आर टू एवं आर थ्री क्या है? तीन प्रतिरोधक है जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। इसका चित्र देखें, चित्र किस तरह बनेगा। ये हमारा पहला प्रतिरोध, सॉरी आर मान ले भी, ये दूसरा है, यहीं पे बना दो दूसरा, और ये तीसरा, तो ये आर वन है और ये आर टू है और ये आर थ्री है। इनको काई में जोड़ा गया है, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो क्या बोलेंगे, माना कि आर वन आर टू और आर थ्री क्या है, तीन प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक भी बोलते हैं इनको और प्रतिरोध भी, दोनों ही बातें। तो माना कि तीन प्रतिरोध आर वन आर टू और आर थ्री है, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, आर है, और इनके सिरों पर, यहाँ से वी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। कितने वोल्ट का, वी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ये आपकी थोड़ी सी लाइन इधर चली गई, यहाँ इस बिंदु पे आ जाना चाहिए आपकी लाइन। हाँ, वी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। अब इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ये बड़ा और ये छोटा, जिधर बड़ा रहेगा वहाँ प्लस रहेगा, छोटा रहेगा जिधर माइनस रहेगा। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, जिधर बड़ा दिखे वहाँ प्लस है, छोटा दिखे वहाँ माइनस है। और ये कुंजी के, बस इसको यहाँ से जोड़ दें, ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अच्छा, किसी ने देखा होगा पहले वाला वीडियो, आपने यदि पहले वाला वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि बैटरी मैंने उसमें ऐसी बताई थी, ये बड़ा था हमारा और ये थोड़ा छोटा था, और मैंने बोला था कि इसमें अंदर एक बड़ा और एक छोटा, दोनों प्रकार से ये भी बैटरी है और ये भी आपकी बैटरी ही मानी जाएगी, ये बड़ा और ये छोटा, प्लस और माइनस। तो क्या बोलेंगे अब इसमें लिखना है, उसका थोड़ी थ्योरिकल। जो माना कि आर वन आर टू और आर थ्री तीन प्रतिरोधक हैं या प्रतिरोध है, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध आर है, तथा इनके सिरों पर वी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। अब ध्यान दें, उस प्रश्न में हमने जब श्रेणी क्रम के लिए पढ़ा था तो वहाँ पर आई एम्पियर की विद्युत धारा समान रूप से बह रही थी, पर यहाँ पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये आई एम्पियर, तो यहाँ तक तो ये आई रही, पर जब इधर गई तो इसके लिए अलग विद्युत धारा हो गई, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, तो ये यहाँ पर आके क्या बन गई, ये आई वन, और यहाँ पर आई टू, और यहाँ पर आई थ्री। तो इनमें सब में क्या हो गया है, आई वन और आई टू और आई थ्री एम्पियर की विद्युत धारा बहती है। क्लियर है? अब ये विद्युत धारा आपकी इधर से इधर के लिए चिन्ह लगाए, ये आपका इधर जा रही है यहाँ से, ये इधर, और यहाँ से फिर रिटर्न कुंजी बैटरी तक। तो क्या बोलेंगे, माना कि आर वन आर टू एवं आर थ्री तीन प्रतिरोध है, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध यानी कि परिणामी प्रतिरोध आर है, एवं इनके सिरों पर वी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तथा इनमें आई वन
I2 एवं I3 एम्पियर की। अब विद्युत धारा के साथ एम्पियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। तो इनमें I1 I2 एवं I3 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, ये मैंने पहले से लिख के रखा था। अब चित्र आप अच्छे से नोटिस कर ले, क्योंकि मैं नीचे बढ़ाऊंगा तो चित्र आपका नहीं दिख पाएगा। देखिए, ये मैंने पहले से लिखा है कि माना कि तीन प्रतिरोधक है, R1 R2 एवं R3 है, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध R है एवं इनके सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, एवं इनमें I1 I2 एवं I3 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो पहले आप जो भी वीडियो वीडियो देखे कोई भी, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ तक इतना हो जाए थ्योरिकल लिखने का, जिसके बाद में आप इसको वीडियो को रोक ले और आराम से इसको उतार ले, लिख ले, जिसके बाद में आगे देगा, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये पहले आप लिख लें, यहाँ पर वीडियो को रोक के मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। माना कि R1 R2 एवं R3 तीन प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध R है तथा इनके सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, एवं इनमें I1 I2 और I3 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही प्रवाहित हो रही है। तो अब आगे, तो अब हमने वहां पर देखा था कि V1 V2 और V3 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया था, किसमें, श्रेणी क्रम में। तो हमने V के इक्वल लिख दिया था, पर यहाँ पर हमारा V अकेला ही है ना, V1 V2 V3 नहीं है, यहाँ पर I1 I2 और I3 है, इसलिए I के इक्वल लिखेंगे। I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यदि आपको ओम का नियम पता हो, ये समीकरण नंबर आपका एक, ओम के नियम से, यदि आपको ओम का नियम पता नहीं हो तो धारा के लिए एक बात आप ध्यान रखें कि ओम के नियम में आपको वीर याद रखना, वीर वीर। अब इसको कर देना वी बराबर ई पे आई आर, क्या है, वी बराबर आई आर। अब यहाँ से अब की बार हमको मान का आएगा चाहिए, आई का। तो आई का मान के लिए यदि कोई भी कोई बोलेगा कि आई का मान चाहिए, तो क्या करोगे, इस आर को आप ले जाओगे, तो यहाँ गुना में है तो ये जाएगा बट्टे में, तो ये बनेगा वी बटा आर बराबरी पे आई, यही आपका बनेगा, यानी कि आई बराबरी पे वी बटा आर, कुछ भी बोल दो। अब यदि यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपसे कि आई बराबरी पे वी बटा आर तो हो गया, पर मैं बोलूँ कि मेरे पास आई वन है, तो यहाँ पर आई वन के लिए चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि आई वन के लिए प्रतिरोधक कौन सा है, आर वन है। आई टू के लिए आर टू है, आई थ्री के लिए आर थ्री है, पर आप बोलेंगे फिर आई इसके लिए विभवांतर क्या है, विभवांतर सभी के लिए वी ही है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा यदि कोई आई वन का मान निकाले तो क्या बनेगा, आई वन इक्वल वी बटा आर, तो आर वन वी सेम है वैसे के वैसे ही। आई टू का मान निकलेगा तो वी बटा आर टू, आई थ्री का मान वी बटा आर थ्री, वी सब में सेम है, क्योंकि हमारा वी वोल्ट का विभवांतर सब में समान है, उसमें आई था श्रेणी क्रम में, आई समान रूप से थी, यहाँ पर वी वोल्ट का विभवांतर, इसलिए ये सूत्र ओम के नियम से डायरेक्टली आपको लिखना है। क्या लिखेंगे कि आई इक्वल वी बटा आर, एवं आगे बढ़ते जाएं, यहाँ पर कोमा करके आगे भी कर दें भले ही, आई वन इक्वल क्या बनेगा, वी बटा आर वन। आप क्या करें इस प्रश्नों को करें, जब नीचे करते जाएं, यहाँ से इस क्वेश्चन के नीचे लिखते जाएं, जिससे क्या होगा, साफ सुथरा थोड़ा प्रश्न है और कॉपी भी थोड़ी भरी भरी लगेगी। तो ये आई वन हो गया, आई टू का मान क्या निकलेगा, वी बटा आर टू। अब आई थ्री का मान क्या निकलेगा, वी बटा आर थ्री। अब ये आई आई वन आई टू और आई थ्री का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर एक में रख दें। तो अब मैं इसके आगे यहीं पर ऐड कर देता हूँ इसे, ये हमारा समीकरण नंबर एक है। तो क्या वो लिखेंगे कि आई आई वन आई टू एवं आई थ्री का मान समीकरण एक में रखने पर, हो गया, अब समीकरण नंबर एक में मान रख दें फटाफट आप, कि आई की जगह पे तो हो गया वी बटा आर, आई वन की जगह पे आ जाएगा वी
बटा आर वन, आई टू की जगह पर जाएगा वी बटा आर टू, और आई थ्री की जगह पर जाएगा वी बटा आर थ्री। अब आगे देखेंगे तो इनमें से सभी में से कॉमन वी आ रहा है, यहाँ वी बटा आर बराबर वी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा है शेष, एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री, वी से वी कैंसिल है, अब बचा क्या है वन बटा आर, यही बचा है वन बटा आर इक्वल वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री, यही क्या है हमारा अभीष्ट व्यंजक है, यही क्या है अभीष्ट व्यंजक है। आप इसमें लाइन यहाँ पे लिखना है कि अतः यही अभीष्ट व्यंजक है। जब आपसे ऐसा पूछे कि व्यंजक स्थापित कीजिए तो आपको लिखना है, अन्यथा ये पूछे कि परिणामी प्रतिरोध की गणना कीजिए तो यहाँ पर बस करके आंसर लिख देना है। अब देखें एक बार और हम जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं फिर से। तो क्या किया है चित्र में, हमने चित्र बनाते समय आर वन आर टू और आर थ्री माना कि तीन प्रतिरोध है जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका तुल्य प्रतिरोध आर है तथा इनमें वी वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है एवं इनके सिरों पर आई वन आई टू और आई थ्री या फिर इनमें आई वन आई टू और आई थ्री एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। तो हमने लिखा था आई इक्वल आई वन आई टू और आई थ्री ओम के नियम से, तो ओम का नियम हमने देखा कि ओम का नियम ये है वी बटा वी वीर वीर याद रखना वीर वी बराबर ई पे आई आर, तो यहाँ पर आई का मान चाहिए तो वी बटा आर बराबर आई, तो यहाँ आई वन का मान चाहिएगा तो वी बटा आर वन बन जाएगा, वी बटा आर टू वी बटा आर थ्री, सारे के सारे मान को हमने ये हमने मानों को उठा के समीकरण नंबर एक में रख दिया। अब आई आई वन आई टू और आई थ्री का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर तो वी बटा आर बराबर ई पे वी बटा आर, ये सारा देख लिया आपने, वी कॉमन निकाल लिया इजी है, और आर वन आर टू और आर थ्री बचा बटे में, तो वी से वी कैंसिल, बचा क्या है वन बटा आर बराबर वन बटा आर वन प्लस वन बटा आर टू प्लस वन बटा आर थ्री, यही क्या है हमारा अभीष्ट व्यंजक है। यहाँ पर अभीष्ट व्यंजक पूछा था इसलिए व्यंजक मैंने लिखा, यदि आपसे पूछे हुए कि परिणामी प्रतिरोध की गणना कीजिए तो आपको केवल आंसर लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।